हेलो फ्रेंड्स, संजय गुप्ता क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और मॉडल पेपर नंबर 2 जो हमने बनाया था, उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी बच्चों के, इसलिए मॉडल पेपर नंबर 2 को हम दोबारा बना रहे हैं। और इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 से, और इनका आप बार बार अभ्यास कीजिए। और इसमें से पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, बैरिस्टर की परीक्षा में कुल कितने सत्र होते हैं। बैरिस्टर की परीक्षा में कुल कितने सत्र होते हैं? 8, 12, 9 और 4। तो बैरिस्टर की परीक्षा इंग्लैंड में गांधी जी कुल मिला के 3 साल रुके और हर साल में 4 सत्र थे, तो इस तरह से इसमें कुल 17 हो जाएंगे, 4 × 3 यानी कि 12 सेशन। गांधी जी ने विलायत में बैरिस्टर की डिग्री के दौरान कौन कौन सी भाषाएं सीखी? तो गांधी जी ने बैरिस्टर की डिग्री के दौरान लंदन मैट्रिकुलेशन परीक्षा भी दी थी, और उसमें उन्होंने फ्रेंच और लैटिन दोनों भाषाओं का पेपर दिया था। तो इस हिसाब से जो इसका ऑप्शन बनेगा वो दोनों। और इसके अलावा गांधी जी ने उर्दू सीखी और तमिल सीखी। उर्दू उन्होंने यरवदा जेल में रहने के दौरान सीखी, और तमिल भाषा उन्होंने 1908 में जब वो दक्षिण अफ्रीका में जेल में गए थे उस दौरान सीखी। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। पेरिस में गांधी जी को क्या रुचिकर लगा? हमने बताया था कि पेरिस में महाप्रदर्शनी लगी थी और वहाँ 7 दिन गांधी जी रुके थे। वो एफिल टावर के ऊपर भी गए थे, पेरिस के नोत्रदम के गिरजाघर भी गए थे, कुमार मरियम की मूर्ति को भी देखा था। तो सभी चीज़ें उन्हें बहुत ही अच्छी लगी, तो उपयुक्त सभी इसका विकल्प हो जाएगा। विलायत से घर लौटने पर गांधी जी को क्या दुखद समाचार मिला? भाई की मृत्यु का, पिता की मृत्यु का, माता की मृत्यु का और पुत्र की मृत्यु का। तो गांधी जी के भाई की मृत्यु नहीं हुई थी, वो उनको लेने आए थे, और पिता की मृत्यु गांधी जी की यात्रा से पूर्व हो चुकी थी। तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा, ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। गांधी जी का पहला पुत्र जन्म के 3 या 4 दिन बाद ही खत्म हो गया था, तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। माता की मृत्यु का समाचार मिला था उनको, और वह समाचार घर वालों ने उनको नहीं दिया जब वो विलायत के दौरान रहते थे, जिससे कि वो परेशान नहीं हो और अपना अध्ययन जारी रख सकें। भारत में लौटने पर गांधी जी ने वकालत कहाँ से शुरू की? तो भारत में लौटने पर गांधी जी ने अपनी वकालत मुंबई से शुरू की। मुंबई हाई कोर्ट में उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया और वहाँ पर अपनी वकालत शुरू की। ये बात अलग है कि उनकी वकालत चली नहीं। मुंबई का शेर किसका उपनाम है? शेर का मतलब जो धाड़ता हो। और मुंबई में तैयब जी नरम दल के नेता थे, गोपाल कृष्ण गोखले, दिनसा वाचा, ये 3 गलत है। मुंबई का शेर और मुंबई का सूरज, मुंबई का बादशाह, ये फिरोज शाह मेहता के उपनाम है। फिरोज शाह मेहता वकील थे, ज़बरदस्त वकील थे, और उनकी दलीलें अखबारों की सुर्खियां बना करती थी। उसके बाद में है, गांधी जी ने अपना पहला मुकदमा किससे लड़ा? बेलाबाई से गलत, हेमाबाई का गलत, लताबाई का गलत, इसमें आएगा मम्मी बाई का मुकदमा, और वो स्मॉल कोज कोर्ट में लड़ा। मुकदमे में गांधी जी को 30 रुपये मिलने थे, और गांधी जी इस मुकदमे में अपनी दलील पेश नहीं कर पाए। उन्होंने मुकदमा छोड़ा और पटेल को उन्होंने वकील करवाया और 50 रुपये 51 रुपये दिए, यानी 30 के बदले 51 रुपये दे करके अपना पीछा छुटवाया इस मुकदमे से। गांधी जी जब वकालत में सफल नहीं हुए तो मुंबई में अपना खर्च चलाने के लिए उन्होंने सोचा कि अंग्रेजी अध्यापक के रूप में मैं काम करके देखूं। उन्होंने एक हाई स्कूल में इंटरव्यू दिया और वहां उनको रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि वो बीए पास नहीं थे, उनके पास बीए की डिग्री नहीं थी। स्कूल वालों ने कहा कि हमें बीए पास चाहिए, एमए सब प्रचलन में नहीं था, बीएड प्रचलन में नहीं था, राइटिंग की कोई बात नहीं थी, राइटिंग उनकी अच्छी नहीं थी, लेकिन स्कूल वालों ने जो तर्क दिया वो था कि हमें बीए चाहिए। दक्षिण अफ्रीका जाने के लिए गांधी जी को किस फर्म का निमंत्रण मिला? तो हम पहले बता चुके हैं कि गांधी जी भारत में राजकोट में भी वो पिटीशन
का काम करते थे, लेकिन राजकोट में एक अंग्रेज़ के साथ उनकी बहस हो गई, इसलिए राजकोट में भी वो काम नहीं कर सकते थे। मुंबई में उनका वो सफलता मिली नहीं, इसलिए वो परेशान थे। और ऐसी समय में दादा अब्दुल्ला की फर्म, मेमन फर्म का उनको इनविटेशन मिला कि हमारा एक केस चल रहा है, और शिपिंग फर्म थी, काफ़ी बड़ी फर्म थी। तो गांधी जी ने शहर्स जाना स्वीकार किया, क्योंकि यहाँ के वातावरण से वो परेशान थे और वो घूमने के शौकीन हो गए थे, यात्रा करने के शौकीन हो गए थे, नई जगह देखना भी चाहते थे। इसलिए जब उन्हें आमंत्रण मिला तो उन्होंने शहर्स उसको स्वीकार किया। उसके बाद में गिरमिट का अर्थ क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गिरमिट का अर्थ क्या है, तो गिरमिट एग्रीमेंट का बिगड़ा हुआ रूप है, और एग्रीमेंट से गिरमिट बना। एग्रीमेंट यानी इकरारनामा, और इस इकरारनामे के तहत यहाँ से यानी भारत से मजदूरी के लिए, ख़ास तौर से गन्ने की खेती के लिए लोग ले जाए जाते थे उपनिवेशों के अंदर, और इनके साथ एक एग्रीमेंट होता था, और उस एग्रीमेंट के तहत ये लोग काम करते थे बंधुआ मजदूर के रूप में। गांधी जी जाने वाले गिरमिटिया मजदूरों के साथ कितने वर्ष का अनुबंध किया जाता था, तो गांधी जी के समय जो ये प्रथा थी उसके अनुसार जो गिरमिट अफ्रीका जाता था उसके साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन होता था। 5 साल तक वो अपने मालिक को छोड़ नहीं सकता था। अनवेलकम विजिटर शीर्षक से अफ्रीका के अखबारों की सुर्खियों में कौन था, तो अनवेलकम विजिटर के नाम से अफ्रीका के अखबारों की सुर्खियां थी। गांधी जी की पगड़ी, जब मैजिस्ट्रेट के सामने गांधी जी ने अपनी पगड़ी उतारने से मना कर दिया तो अफ्रीका के अखबारों में ये सुर्खियां बन गई। अफ्रीका में मुकदमा लड़ने के लिए गांधी जी को किसका ज्ञान प्राप्त करना पड़ा, दादा अब्दुल्ला का जो मुकदमा था अफ्रीका में उसमें बहुत सारी पेचीदगियाँ थी, प्रोमिजरी नोट्स से संबंधित, बही खाते से संबंधित। तो उस समय गांधी जी को जो विशेष ज्ञान प्राप्त करना पड़ा वो बही खाते का था, और गांधी जी ने कुछ पुस्तकों का अध्ययन किया बही खाते से संबंधित। अफ्रीका में अब्दुल्ला सेठ का मुकदमा किससे चल रहा था, किससे चल रहा था, हाजी सेठ से, तैयब सेठ से, रुस्तम जी से, गणेश सेठ से? तो ये जो जिस सेठ से मुकदमा चल रहा था वो तैयब सेठ थे, और यहाँ तैयब सेठ राइट ऑप्शन हो जाएगा। डरबन से प्रिटोरिया जाते समय गांधी जी को जिस स्टेशन पर ट्रेन से उतार दिया गया वह स्टेशन है जोहान्सबर्ग, डरबन, साउथ टर्म, मैरिट्सबर्ग। तो इसका सही ऑप्शन है नाटाल की राजधानी मैरिट्सबर्ग में रात को जब ट्रेन रुकी तो वहाँ इन्हें स्टेशन पे उतार दिया गया। जोहान्सबर्ग से प्रिटोरिया के बीच गांधी जी ने कौन से दर्जे में यात्रा की, तो जोहान्सबर्ग से प्रिटोरिया के बीच में गांधी जी ने प्रथम दर्जे में यात्रा की, क्योंकि प्रथम दर्जा जो था वो गांधी जी को इसलिए मिला, गांधी जी ने इसके लिए विशेष प्रयास किया। जोहान्सबर्ग स्टेशन मास्टर से उन्होंने प्रथम श्रेणी का टिकट खरीदा। उन्होंने कहा कि अगर गार्ड बीच में आपको उतार देता है तो आप मेरी शिकायत मत करना। तो गांधी जी को गार्ड ने उतारने के लिए तो बोला, लेकिन जो सहयात्री था अंग्रेज़ था उसने गार्ड से कहा कि मुझे जब कोई दिक्कत नहीं है तो आप इस आदमी को प्रथम श्रेणी से क्यों उतारते हो, जब इसके पास में वाजिब टिकट है। उसके बाद में दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास पुस्तक के लेखक के नाम, तो दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं, और गांधी जी ने ही वहाँ सत्याग्रह किया था। ईसाई धर्म में गांधी जी को क्या समस्या थी, गांधी जी को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के लिए मिस्टर कोट्स ने भरपूर प्रयास किए, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। उसमें गांधी जी ने ऑब्जेक्शन किया, उसमें इस जो ईसाई धर्म में कुछ मान्यताएं थी कि ईसा ही ईश्वर का पुत्र है, गांधी जी को स्वीकार नहीं था, क्योंकि फिर गांधी जी के अनुसार जो बाकी लोग हैं उनकी मुक्ति कैसे होगी, केवल ईसा की कृपा से मुक्ति संभव है। तो गांधी जी का भी विचार था कि जो ईसाई धर्म नहीं मानते इसका मतलब उनकी मुक्ति हो ही नहीं सकती, आत्मा केवल मनुष्य में है अन्य में नहीं। तो गांधी जी के अनुसार अन्य जीवों से फिर हम मनमर्जी का व्यवहार करें वो दया के पात्र नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत है।
तो तीनों ही आपत्तियां थी, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। गांधी जी को रात में घूमने में बाधा न पड़े इसका सिफारिशी पत्र किसने दिया? मिस्टर कोट ने, मिस्टर पिकअप ने, मिस्टर एस्कॉम ने, डॉक्टर ब्राउन ने। तो डॉक्टर क्राउन जो थे उन्होंने मिस्टर कोट के आग्रह पे गांधी जी को और सिफारिशी पत्र दिया, जिससे कि वो रात को बेझिझक बाहर निकल सके, क्योंकि अफ्रीका के अंदर एक कानून था कि 9 बजे के बाद में अगर कोई भारतीय या ब्लैक निकलता है बाहर तो उसके पास में परमिशन या परमिट होनी चाहिए अपने मालिक की। और गांधी जी के सामने ये विचित्र समस्या थी, क्योंकि मिस्टर कोट्स गांधी जी के मित्र थे, वो उन्हें एक नौकर की तरह परमिट बना के नहीं देना चाहते थे। फ्रेंचाइजी बिल का विरोध करने के लिए किस संस्था का गठन हुआ? तो गांधी जी जब वहाँ से विदा होने वाले थे अफ्रीका से, तो उन्होंने एक अखबार में फ्रेंचाइजी बिल के बारे में पढ़ा, वहाँ के लोगों से उन्होंने चर्चा की और उन्हें इस बात के लिए जागरूक किया, जनमत को जागरूक किया कि इस फ्रेंचाइजी बिल का विरोध होना चाहिए, क्योंकि इससे भारतीयों का मताधिकार छिन जाएगा। और इसके लिए दादा अब्दुल्ला के घर पे एक बैठक हुई और उसमें एक संस्था के गठन की मांग की गई, और वो संस्था नटाल कांग्रेस बनी। कांग्रेस गांधी जी का प्रिय था, क्योंकि भारत में उस समय कांग्रेस चर्चा में थी एक अखिल भारतीय संगठन के रूप में। तो कांग्रेस जो है वो अंग्रेजों के विरोध का प्रतीक थी, तो गांधी जी ने कांग्रेस का नाम सुझाया और उसे सभी लोगों ने स्वीकार किया। तो फ्रेंचाइजी बिल का विरोध करने के लिए जिस संस्था का गठन हुआ वो है नटाल कांग्रेस। नटाल कांग्रेस का गठन 1894 में हुआ था। ये अपने को ध्यान रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है कि नटाल कांग्रेस का जन्म कब हुआ, तो 1894। गांधी जी के अनुसार किसके अभाव में सार्वजनिक संस्था प्रतिष्ठा रहित व गंदी हो जाती है? गांधी जी के अनुसार किसके अभाव में सार्वजनिक संस्था प्रतिष्ठा रहित व गंदी हो जाती है? संदेह के अभाव में, राजनीतिक पहुंच के अभाव में, सदस्यों के अभाव में, शुद्धता के अभाव में, हिसाब किताब की शुद्धता के अभाव में। तो हमने पीछे भी ये देखा है कि गांधी जी हिसाब किताब अपना लंदन के अपने प्रवास के दौरान रात को सोने से पहले अपना हिसाब किताब मिलाते थे, यानी वो हिसाब किताब के बड़े हिमायती थे। उनके अनुसार अगर हिसाब किताब में हम चूक करेंगे तो जीवन में दुखी होंगे। तो गांधी जी के अनुसार यदि संस्था को अपना प्रभाव बनाना, अपनी प्रतिष्ठा बना के रखनी है, तो उसमें भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए और उसमें पाई पाई का हिसाब रखा जाना चाहिए। इसलिए ऑप्शन चार, हिसाब किताब की शुद्धता में गांधी जी ने ये बात कही है, और उन्होंने कहा है कि हिसाब किताब की शुद्धता किसी भी संस्था की नाक है। गांधी जी के सामने पगड़ी उतार कर कौन आया? पगड़ी उतार के आने का मतलब है कि सामने वाले के सामने हम अपने अपने सम्मान को कम कर रहे हैं। तो गांधी जी के सामने ये विचित्र स्थिति एक बार आई, क्योंकि भारतीयों को जब दक्षिण अफ्रीका में वो बाहर निकलते थे और किसी भी यूरोपीय को सामने पाते थे, तो उन्हें अपनी टोपी, अपनी पगड़ी नीचे उतारनी पड़ती थी और रुक जाना पड़ता था जब तक कि वो यूरोपीय वहाँ से गुजर नहीं जाए, यानी वो भारतीयों के अपमान का प्रतीक था। तो गांधी जी के सामने जब बाला सुंदरम आया, और बाला सुंदरम आया जब उसको एक गोरे ने पीटा था, वो गिरमिट था, तो वो गांधी जी के सामने अपनी पगड़ी उतार के खड़ा हो गया। गांधी जी बड़े ही भावुक हो गए, क्योंकि वो भारतीयों की मदद करना चाहते थे और इसके लिए वो चाहते थे कि वो जो है उनके साथ घुले मिले, न कि उनके साथ में वो अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करें या अपने को ऊंचा दिखाएं। मुंबई में प्लेग फैलने पर गांधी जी का सर्वाधिक जोर किस बात पे था? तो हम आगे भी पढ़ेंगे कि गांधी जी का सर्वाधिक जोर हमेशा सफाई पे रहा है। तो सीधा सा जब गांधी जी के संबंध में इस तरह का क्वेश्चन आए, तो अपने को ध्यान में रखना है कि सीधा सा हमें सफाई पे जाना है, और वो भी व्यक्तिगत सफाई, पखानों की सफाई। तो पखानों की सफाई पे गांधी जी जब भी तीसरे दर्जे में यात्रा करते थे, तो पखाने को उपयोग में लेने के बाद में उसकी साफ सफाई स्वयं करते थे अपने हाथों से, और गांधी जी पखानों को कभी भी गंदा नहीं छोड़ते थे। हिंदुस्तान क्या सिखाता है पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये गांधी जी ने पुस्तक अपने लंदन प्रवास के दौरान पढ़ी थी, जब उनकी मुलाकात मैडम ब्लैटवेस्की और एनी बेसेंट के साथ हुई थी, और उस समय गांधी जी ने यह पुस्तक पढ़ी थी जो मैक्स मूलर की है। उसके बाद में
इसी में थॉमस मूर की प्रसिद्ध पुस्तक है यूटोपिया, जिसको गांधी जी ने नहीं पढ़ा। लियो टॉलस्टॉय की गांधी जी ने 3 पुस्तक पढ़ी थी, उनके बारे में हम बता चुके हैं, जिसमें एक की जो है ईश्वर की सत्ता तेरे हृदय में है, उन्होंने पढ़ी थी। और रस्किन की अन टू द लास्ट गांधी जी ने बड़े चाव से पढ़ी थी। गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले की तुलना किससे की है? तो गांधी जी ने 3 तुलनाएं की हैं। हिमालय की तुलना फिरोजशाह मेहता से की है, कि फिरोजशाह मेहता की छवि जो है हिमालय के समान विशाल है, उसकी प्रशंसा की जा सकती है, उसको पाया नहीं जा सकता। गांधी जी ने तिलक की तुलना महासागर से की है, यानी महासागर विशाल है लेकिन उसमें डूबने का डर है। और गोखले की तुलना गांधी जी से ने गंगा से की है, क्योंकि गोखले की जो छवि है वो ऐसी है कि उसमें आदमी आनंद पा सकता है, अटखेलियाँ कर सकता है गंगा की तरह, उसमें अपनापन ढूंढ सकता है। और गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु भी गोखले को ही बनाया था, तो इसमें गंगा से तुलना उन्होंने गोखले की है। दूसरी बार अफ्रीका यात्रा के दौरान गांधी जी अपने परिवार के कितने सदस्य लेके गए थे अपने साथ में? तो दूसरी बार अफ्रीका यात्रा के दौरान उनके साथ में 4 सदस्य थे। एक तो कस्तूरबा थी, 2 उनके बेटे थे, और एक जो उनके स्वर्गीय बहनोई था उसका पुत्र वो अपने साथ लेके गए थे। गांधी जी दूसरी बार अफ्रीका के अखबार की सुर्खियां क्यों बने? तो गांधी जी पहली बार अफ्रीका के अखबार की सुर्खियां बने थे जब उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने नटाल में पगड़ी उतारने से मना कर दिया था, और दूसरी बार सुर्खियां बने थे वकालत करने की स्वीकृति के कारण, जब उन्हें प्रिटोरिया में वकालत करने की स्वीकृति मिल गई। मिस्टर एस कैम्प जो अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने उनकी अपील को मान लिया, क्योंकि गांधी जी जब हाजी दादा अब्दुल्ला का केस ख़त्म हो गया था उसके बाद में भारतीयों की मदद के लिए 1 महीना वो वहाँ रुकने के लिए तैयार हुए। और इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं अपने खर्च चलाने के लिए वकालत करूँगा, और उन्होंने वकालत करने के लिए वहाँ के हाई कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट में अपील करने पर गांधी जी की अर्जी स्वीकृत हुई, हालांकि वहाँ के गोरे वकीलों ने उसका भरपूर विरोध किया, लेकिन अंततः जीत सत्य की हुई। और ये वहाँ के अखबारों की सुर्खियाँ बनी, वहाँ के गोरे वकीलों की आलोचना की गई कि एक ब्लैक अब यूरोपियों का केस भी लड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड पार्ट से। इनका बार बार रिवीजन कीजिए, और इनके साथ साथ जो हमारे नोट्स हैं उनको आप ज़रूर पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन 100% चीज़ों को कवर नहीं कर सकते हैं, और आपको टॉप 3 में आना है। और टॉप 3 में आने के लिए जितना डिटेल में हम पढ़ेंगे उतना हमें फ़ायदा होगा, क्वेश्चन से हमारा रिवीजन हो जाएगा। तो ये एक तरीके से हमारा प्रयास चल रहा है कि आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाए, और वीडियो को आप देख रहे हैं बार बार इसका रिवीजन कीजिए, साथ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जैसे ही वीडियो डाला जाए आप उसको तुरंत आपको सूचना मिल सके। क्यों मेरे पास मैसेज आते हैं, वो कहते हैं कि सर इस पार्ट का वीडियो डालिए, इस पार्ट का वीडियो डालिए, जबकि वीडियो डाला जा चुका है, इसका मतलब उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको तुरंत सूचना मिल जाए, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।